सर्दियों में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम फेस वॉश करके आते हैं तो हमारा यहाँ केके सा ड्राई सा हो जाता है, और जब मेकअप करते हैं तो इतना गंदा लगता है कि मेकअप करके जाओ ही ना। तो आज मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ों से आपको वही सोल्यूशन बताऊंगी कि आप कैसे मेकअप सही तरीके से करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के लिए बेस्ट मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम फेस वॉश करके आते हैं तो हमारा यहाँ केके सा ड्राई सा हो जाता है, और जब मेकअप करते हैं तो इतना गंदा लगता है कि मेकअप करके जाओ ही ना। तो आज मैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ों से आपको वही सोल्यूशन बताऊंगी कि आप कैसे मेकअप सही तरीके से करो। बस सेम मेरे स्टेप फॉलो करनी है। थोड़ी सी स्किन केयर ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। मेकअप करने के एक दिन पहले ये स्टेप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वैसे ये आप सर्दियों में करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास की तरह रहेगी। आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले मॉइस्चराइजिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल क्रीम भी लगाते हैं ना, तो हम फिर लपड़ी भी बहुत लोग लगाते हैं ना, तो यहाँ पर चित्ती चित्ती सा अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये मात्र 10 रुपए की मैं फ्रूट क्रीम लगा रही हूँ, जो लोकल मार्केट में आपको इजली मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा बजट में। अब तो थोड़ा सा लेके अपने स्किन को अच्छे से आपको हाइड्रेट करना है, पूरे फेस पे यानी कि लगाना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना कि क्लियर टाइप की बन जाए, नहीं, बस हल्का सा लगाना है नॉर्मली। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो लेना है आपको। विटामिन ए की कैप्सूल, ठीक है, ये मार्केट में आराम से मिल जाती है, 1-2 बूंद, ठीक है। आपको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। आप सिंपल हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा चिपचिप करे, बस सिंपल अच्छे से आपको लगा लेना है इस तरीके से, और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है इसको भी, ताकि ये हमारे स्किन में थोड़ा सा टाइम लेते हुए। फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम, आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो, वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस सिंपल हम फाउंडेशन, ये बीबी क्रीम लेंगे, फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम, ठीक। सिंपल आपको चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर, चाहे आप ब्रश, या फिर आप फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आज मैं हाथ से ही बताऊंगी आपको बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। अब हम चाहे तो आप यू करके इसको ब्लेंड कर सकते हो इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है, और चाहे तो यूं करके, मैं अलग दोनों साइड अलग अलग तरीके से ब्लेंड करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा थपकी देते हुए ब्लेंड कर रही हूँ, ये देख रहे हैं कितने इजी तरीके से लग गया लाइनर का। तो ये देखिए, और इधर आओ, जैसे नॉर्मली आप लगाते हो ना, आप वैसे लगा सकते हो, ये देखिए। बस दोनों ही तरीका सेम है और अच्छे से लग जाता है दोनों ही तरीके से। आपको जिससे कंफर्टेबल पड़े आप उससे लगा लो, ठीक है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा पैचीपन आता है, तो आप बार बार मत लगाइए, और बार बार फिंगर मत अप्लाई करिए, या रगड़िए, या ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। नॉर्मल है तो चल जाता है, और जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम यू करके हल्के हाथों से, जो हमारा बचा हुआ है ड्राई है, तो ये स्टेप मत करिएगा, बस हल्के हाथों से जो मैंने पहला वाला स्टेप बताया था वही कर लीजिएगा। बस अब आपको सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा पॉन्स का पाउडर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल लाइटली, अभी मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए थोड़ा सा, अब एकदम हल्के हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के से आपको फेस को सेट करना है,
ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के से, ताकि ड्राईपन पैचीपन ना आए, बिल्कुल लाइटली। अभी फिर से आपको पॉम पैक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक पे हम नहीं करेंगे, बस हम फेस पे कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके। बस अब इसको हम थोड़ा सा छोड़ेंगे सेट होने के लिए, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी आईब्रो को सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ADS की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लैक्मे की, ADS की, या जो भी आपके पास हो ना वो। और हल्के हल्के से अपनी आईब्रो को आपको सेट कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही सेट करना है, बहुत ज़्यादा अंदर की साइड धसाना नहीं है, और एक बार भी नहीं लगाना है इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के देख रहे हो। फिर आपको देखना है कि हमारी दोनों आईब्रो सेम है या नहीं, और फिर से सेट कर लेना है। ठीक है, अब हम यही क्या है हमारा पाउडर लेंगे फिर से पॉन्स का, और इसको हल्का हल्का सा इसी से, चाहे आप फिंगर की हेल्प से या फिर ऐसे ही लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल लाइटली, ठीक है। इससे आपका जो चिपचिपापन है वो लगा। तो अभी मैं ले रही हूँ NYB के लिए लिपस्टिक, और शेड है मेरा 12, काफी अच्छी है ये। वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेसेस कनाडा का मैंने काजल यूज़ किया था, उसी से काजल और लाइनर भी अप्लाई की हूँ। पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया था, मतलब ऑफ़ करती रहती हूँ तो बीच में क्या होता है ना, ऑन करना भूल जाती हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो बस यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मैं, बुलेट लिपस्टिक। और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स पहन ली, और हेयर जैसे थे मेरे वैसे हैं, बस बिंदी इयररिंग्स और साड़ी मैंने पहन ली है। तो कैसा लग रहा है लुक बताइएगा ज़रूर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो स्किन केयर मेकअप करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और स्किन रूटीन रोज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो विटामिन ई की कैप्सूल एलोवेरा रोज़ नाइट में लगा के सो जाओ, इससे आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लॉसी दिखेगी। कुछ भी लगाओगे तो ड्राईपन रूखापन नहीं रहेगा। सेकंड चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, बहुत लेयर बाय लेयर मत करिएगा, जैसे मैंने बहुत इजी सा सिंपल सा बताया है वैसे स्टेप आपको भी फॉलो करने हैं। जब भी मेकअप करिए बेस बनाइए बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। अगर आपको बहुत हैवी मेकअप चाहिए तो फुल कवरेज फाउंडेशन ले लीजिए, लेयर बाय लेयर मत अप्लाई करिएगा, ठीक है। मिलती हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।